प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं प्लस टू ज्योग्राफी से संबंधित, और हमने दो लेसन कंप्लीट कर लिए हैं, विश्व की प्रमुख जनजाति और मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और प्रकृति। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं विश्व की जनसंख्या, और इस जनसंख्या से संबंधित हमारा जो तीसरा लेसन है वो है वितरण घनत्व और वृद्धि। अब देखिए, ये जो सेकंड यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में दो चैप्टर थे आपके, और इस सेकंड यूनिट में तीन चैप्टर हैं। इन तीनों चैप्टर से हम यूनिट वाइज बात कर रहे हैं। जो सेकंड यूनिट हैं, जिसके अंतर्गत तीन चैप्टर हैं, तीन नंबर, चार और पाँच, इन तीनों लेसन से क्या होगा, एक क्वेश्चन आएगा एक नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा एक नंबर का, और एक क्वेश्चन आएगा चार नंबर का। मतलब टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, क्वेश्चन हो गए आपके तीन, और मार्क्स कितने हो गए, मार्क्स हो गए कितने, छः। तीन क्वेश्चन आएंगे छः नंबर के, दो छोटे आएंगे एक एक नंबर के, और एक आएगा बड़ा चार नंबर का। तो देखते हैं विश्व की जनसंख्या संबंधी वितरण घनत्व और वृद्धि, ये हमारा लेसन है। देखिए, पृथ्वी पर जो मानव सभ्यताएं हैं, वो मानव सभ्यताएं, ये मानव सभ्यता है, ये मानव सभ्यता क्या है, जो वर्तमान स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है, वो वर्तमान स्वरूप कई जटिलताओं के बाद में, मतलब कई ऐसे पड़ाव उन्होंने अपने सामने फेस किए हैं, और उन्हीं पड़ावों के कारण क्या हैं, जो आपको वितरण दिखाई दे रहा है वो सभी जगह एक समान नहीं है। कहीं जनसंख्या ज़्यादा मिलती हैं, कहीं जनसंख्या कम मिलती है। ये क्यों मिलती हैं, तो हम बात कर सकते हैं इन्हीं मानव सभ्यताओं का उन पर क्या रहा है, प्रभाव रहा है, और इसी के कारण अगर सभ्यताएं ज़्यादा विकसित हुई हैं तो क्या हुआ, वहाँ पर उसी स्थान पर लोग सबसे ज़्यादा रहने लगे हैं। कहीं सभ्यताएं विकसित कम हुई हैं तो वहाँ पर क्या है, जनसंख्या का जो वितरण है वो कम पाया गया है। और इसका जो आधार रहा है जनसंख्या वितरण का, जनसंख्या वितरण का जो आधार रहा है, या हम कह सकते हैं उसको किसके आधार पर रहा है, क्षेत्रीय विस्तार। जैसा जैसा क्षेत्र मानव को अनुकूल लगा, उसी के अकॉर्डिंग मनुष्य ने वहाँ पर अपना निवास स्थान बना लिया, और एक नहीं एक से अधिक, एक व्यक्ति ने अपना निवास स्थान बनाया, दूसरे व्यक्ति ने फिर देखा वहाँ पर अनुकूल जलवायु है, तापमान है, और जो क्षेत्र है वो उसी के अकॉर्डिंग है, फिर दूसरा मानव भी उसी पर रहने लगा। धीरे 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 वो क्या हो गया, वो एरिया कंजस्ट हो गया। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो मानव के अनुकूल नहीं है, वो क्या हुए, वहाँ पर जन विहीन क्षेत्र तब्दील हो गया, मतलब वहाँ पर लोग कम रहना पसंद करते हैं। तो मानव भूगोल के अंतर्गत बात करें तो मानव भूगोल में जो जनसंख्या का वितरण और घनत्व है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और महत्वपूर्ण विषय होने के कारण हमें ये पता होना चाहिए कि जनसंख्या का वास्तविक प्रारूप क्या है। क्योंकि जनसंख्या किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, मानव से संबंधित है, और मानव की समस्त क्रियाओं को हमने किस भूगोल के अंतर्गत रखा है, मानव भूगोल में रखा है, तो इसलिए हमें इसका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक होता है।
अब देखिए जनसंख्या का वितरण और घनत्व, ये दो चीज क्या होती हैं जननांकीय विशेषताओं का आधार होता है। जननांकीय विशेषताओं का आधार एक तो जनसंख्या वितरण होता है और एक जनसंख्या घनत्व है। इनका जो प्रतिरूप होता है उसी प्रतिरूप को हम किसमें समाहित करते हैं, जननांकीय विशेषता में समाहित करते हैं। आगे हमारा एक चैप्टर आएगा जो जनसंख्या संरचना से संबंधित होगा, वो भी एक प्रकार की जननांकीय विशेषताएं हैं जिसमें साक्षरता, लिंगानुपात, आयु वर्ग सभी की बात करेंगे हम। अब देखिए वास्तव में जनसंख्या वितरण होता क्या है, जनसंख्या वितरण की बात करेंगे। सामान्य अर्थों में देखेंगे क्या होता है, धरातल पर मनुष्य का फैलाव क्या कहलाएगा, जनसंख्या वितरण। कैसे, देखिए ये क्षेत्र है, यहां पर लोग निवास कर रहे हैं, फिर यहां पर लोग निवास कर रहे हैं, इस क्षेत्र में व्यक्ति निवास कर रहे हैं, तीन क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। अब क्या तीनों क्षेत्र एक समान है, सभी एक समान रहते हैं, नहीं रहते हैं। यहां आप कह सकते हो कि ये जो एरिया है ये सघन एरिया है, क्या है, सघन एरिया है, क्योंकि मनुष्य क्या है बिल्कुल पास पास में रह रहे हैं, तो क्या हो गया वो एरिया सघन। ये मध्यम स्तर का एरिया है, मतलब यहाँ पर सामान्य व्यक्ति निवास करते हैं, लेकिन ये एरिया क्या हो गया, ये हो गया प्रकीर्ण, क्या हो गया प्रकीर्ण, ये क्या हो गया सघन, ये मध्यम बस्ती। तो ये जो फैलाव है इसी को दर्शाता है, कौन कौन दर्शाएगा, जनसंख्या वितरण, कि मनुष्य का फैलाव किस प्रकार से, कहाँ ज़्यादा निवास करते हैं, कहाँ कम निवास करते हैं, क्यों करते हैं, इन्हीं चीज़ों का अध्ययन हमें कौन करवाता है, जनसंख्या वितरण करवाता है। अब देखिए सारा का सारा जो सिस्टम है ये मनुष्य पर डिपेंड है, और मनुष्य किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, तो हम कह सकते हैं कि मानव है वो मानव एक संसाधन के रूप में है, किसके रूप में है, संसाधन के रूप में है, मानव एक संसाधन के रूप में कैसे हैं। देखिए मानव भूगोल के अंतर्गत हम किसकी बात कर रहे हैं, मानव की, तो केंद्रीय स्थान किसका हो गया, केंद्रीय स्थान हो गया मानव का, मतलब मानव भूगोल का जो मूल बिंदु है, मूल केंद्र है, वो किस पर टिका हुआ है, मानव, इसी की सभी विशेषताओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए मानव क्या करता है, मानव प्राकृतिक व सांस्कृतिक दोनों कारकों का क्या करता है, उपयोग करता है, और दोनों कारकों का उपयोग करता है और इसे क्या करता है, प्रभावित भी करता है, प्राकृतिक वातावरण को भी प्रभावित करता है और सांस्कृतिक वातावरण को भी प्रभावित करता है, प्रभावित करता है साथ साथ में क्या करता है, इसमें लगातार धीरे 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 क्या करता है, परिवर्तन भी करता रहता है, दोनों कारकों में क्या करता रहता है, परिवर्तन भी, प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों कारकों में। अब देखिए प्राकृतिक की बात करेंगे हम, भूमि, जल, खनिज, वनस्पति, इनका उपयोग करता है या नहीं करता है, ये सारे के सारे कारक कौन से हो गए, ये प्राकृतिक कारक हो गए। अब देखते हैं हमें कि सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत क्या होता है। देखिए मनुष्य कृषि, पशुपालन, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, इसके साथ साथ में क्या करता है,
सांस्कृतिक वातावरण, राजनीतिक संबंध, इनका भी उपयोग करता है, इनका भी उपयोग करता है। ये हो गए प्राकृतिक कारक और वो क्या हो गए सांस्कृतिक कारक। इन्हीं सभी कारकों का वो क्या कर रहा है उपयोग करता है, साथ साथ में इनका विकास करता है। और प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं ये इनका उपयोग कर किसका निर्माण करता है, इस सांस्कृतिक वातावरण का। मतलब हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी संस्कृति का निर्माण किससे करता है, इन प्राकृतिक कारकों के द्वारा करता है। देखिए भूमि की बात करेंगे, जल की बात करेंगे, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कृषि कर सकते हैं। खनिजों की बात करेंगे तो खनिजों के उत्पादन के बाद में हम क्या कर सकते हैं उद्योग लगा सकते हैं, लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। फिर खनिजों के अंतर्गत उत्पादन होने के कारण जो उद्योग लगेंगे उसके बाद में एक सेवा विकसित होगी, कौन सी होगी परिवहन की, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस माल को ले जाने के लिए। फिर धीरे धीरे क्या शुरू होगा व्यापार। तो ये सारी की सारी आर्थिक क्रियाएं इसी के कारण शुरू होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके क्या करता है मनुष्य संस्कृति का निर्माण करता है। इसीलिए भूगोल वेताओं के द्वारा इस मानव पर क्या किया जाता है अध्ययन किया जाता है, मानव का अध्ययन किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है इस प्राकृतिक और सांस्कृतिक इस प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके इसने किसका निर्माण किया संस्कृति का निर्माण किया। और ये दोनों कारक का उपयोग कर वो प्रभावित भी करता है इसे और धीरे धीरे क्या करता है परिवर्तन भी करता है। ठीक है, अब देखेंगे हम जनसंख्या का वितरण और घनत्व किसे कहते हैं, क्या दोनों एक चीज होती हैं, क्या अलग अलग होती हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए जनसंख्या का वितरण और घनत्व दोनों एक चीज नहीं होती हैं बल्कि अलग अलग होती हैं। हमें लगता तो यही है कि भी एक चीज़ है वितरण और घनत्व, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है अलग होता है। वो क्या कर रहा है वितरण की बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये क्या है स्थानिक पक्ष को ज़्यादा दर्शाता है। स्थानिक पक्ष का मतलब है कि मनुष्य का फैलाव किस प्रकार है, उस क्षेत्र से संबंधित मनुष्य का फैलाव किस प्रकार है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है ये। लेकिन घनत्व की बात करेंगे तो क्या करेगा जनसंख्या व क्षेत्र के आनुपातिक पक्ष को दर्शाता है। अब देखिए कैसे, ये तो सिर्फ यही बताएगा कि ज़्यादा है जी, नहीं जी कम है, नहीं जी मध्यम स्तर का है, कौन वितरण। लेकिन घनत्व क्या दर्शाएगा कि मान लो 100 व्यक्ति हैं, ये हो गया जनसंख्या, 100 व्यक्ति हैं, क्षेत्र कितना है, क्षेत्र है जी आपका 10 स्क्वायर मीटर स्क्वायर किलोमीटर। अब इन दोनों के आनुपातिक संबंध को कौन दर्शाता है घनत्व, कैसे दर्शाएगा 100 में से 10 का अनुपात निकालेंगे तो 1 स्क्वायर मीटर बराबर कितने व्यक्ति आ गए 10 व्यक्ति आ गए। ये संबंध कौन दर्शाता है, ये संबंध दर्शाता है घनत्व। ठीक है, अब जनसंख्या वितरण को हम क्या करते हैं जनसमूह के स्थानिक वितरण से संबंधित देखते हैं, जनसमूह के स्थानिक वितरण और स्थानिक पक्ष मैंने यहाँ लिख दिया है या हम कह सकते हैं स्थानिक वितरण को दर्शाता है। और इस पक्ष में क्या है मनुष्य के धरातल पर स्थिति जन्य प्रारूप का बोध करवाता है या हमें ज्ञान करवाता है। स्थिति का मतलब वही चीज़ है कि कहाँ
क्या वो एक जगह रह रही हैं, कंजेस्टिव रह रही हैं, क्या वो अलग अलग रह रही हैं, इसी चीज़ का हमें क्या करवा रहा है, ज्ञान करवा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि पृथ्वी पर जनसंख्या का जो वितरण है वो वितरण समान रूप से पाया जाता है या असमान रूप से पाया जाता है। ठीक है, असमान रूप से पाया जाता है तो किस प्रकार पाया जाता है, कहाँ अधिक पाया जाता है, कहाँ कम पाया जाता है, इसी के बारे में हम देखेंगे। देखिए, विश्व की जनसंख्या के बारे में देखें तो 2001 की बात करूं तो लगभग 613 करोड़, ये थी 2001 के अंतर्गत विश्व की जनसंख्या। लेकिन धीरे धीरे क्या हुई, ग्रोथ हुई। 2013 की बात करूं तो मैं कितनी है, 714 करोड़। ये 2001 से लेकर और उसके बाद में 2013 में कितनी हो गई, 714 करोड़। अब ये 714 करोड़ जनसंख्या 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर, लगभग इतने क्षेत्रफल पर पाई जाती है। क्या सभी एक समान रूप से पाई जाती हैं? क्या मान लो ये 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, क्या बिल्कुल इक्वल एरिया में पाए जाते हैं सारे के सारे इस प्रकार से, समान रूप से पाए जाते हैं? क्या असमान रूप से पाए जाते हैं इस प्रकार से? ये क्या हो गया, ये असमान रूप आपको दिखाई दे रहा है और ये क्या है, बिल्कुल समान रूप से दिखाई दे रहा है। तो ये जो 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर पृथ्वी का पूरा स्थल क्षेत्र है, इस पर कितने लोग रह रहे हैं, 714 करोड़ व्यक्ति निवास करते हैं। और क्या समान रूप से हैं, क्या असमान रूप से हैं, ये हम देखेंगे। तो देखिए, विश्व जनसंख्या का असमान वितरण का प्रारूप देखेंगे सबसे पहले, और आप समझ जाओगे कि वास्तव में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वितरण पाया जाता है। पहली देखें हम, पहला कंसेप्ट दिया हुआ इसमें कि विश्व की 80% जनसंख्या, ये जितने भी कंसेप्ट आपको यहां दिखाई दे रहे हैं ये वास्तविक अध्ययन किए हुए हैं भूगोलवेताओं के द्वारा, और उनके अध्ययन के बाद में ये जो तथ्य आपको स्पष्ट हो रहे हैं ये बिल्कुल क्या हैं, सत्य हैं। देखिए, विश्व की 80% जनसंख्या कितने क्षेत्र पर निवास करती हैं, 20% क्षेत्र पर निवास कर रही हैं। ठीक है, और 20% जनसंख्या 80% क्षेत्र पर निवास कर रही। अब बता सकते हो आप कि वितरण समान है या असमान है, असमान प्रतीत हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसे तथ्य बहुत सारे हैं, मैं आपको यहाँ लिखवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में प्रत्येक स्थान पर लोग एक समान रूप से नहीं पाए जाते हैं, बल्कि असमान वितरण पाया जाता है। और पूरा का पूरा हम किसकी बात कर रहे हैं, हम विश्व की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बातें नहीं कर रहे। अब देखिए, दूसरा स्टेटमेंट हमारे सामने ये आ रहा है कि विश्व की 2/3 जनसंख्या, अब 2/3 का मतलब क्या होता है, लगभग 66%, ये जनसंख्या कितने क्षेत्र में निवास करती हैं, 14% क्षेत्र में निवास कर रही। कितनी जनसंख्या, 66%, 2/3 जनसंख्या 14% क्षेत्र पे निवास करती है। अब देखिए, इसी में एक स्टेटमेंट हो रहा है कि विश्व की 57% जो जनसंख्या है वो जनसंख्या कितने क्षेत्र में निवास करती हैं, 5% क्षेत्र में निवास करती है। अब देखिए,
ये जो स्टेटमेंट है ना सारे के सारे ये बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। अब कहोगे सर 66% तो यहाँ मैंने 14 में डिवाइड कर लिया, बाकी पीछे 33 ही रहा। अरे इसके ये एक अलग स्टेटमेंट दर्शाता है और उसके बाद में हम फिर से 100 मानकर देखें तो 57% जनसंख्या कितने क्षेत्र पर निवास कर रही है, 5% क्षेत्र पर निवास कर रही है। इसके बाद में हम कितना रह गया, 8% जनसंख्या लगभग 9% क्षेत्र में निवास कर रही है। ये एक हम आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद में एक स्टेटमेंट और है जिस प्रकार से ये है 80% वाला सिस्टम, वैसे ही एक स्टेटमेंट ये भी है कि 90% जनसंख्या 10% क्षेत्र पर निवास कर रही है और 10% जनसंख्या 90% क्षेत्र पर निवास करती है। ये स्टेटमेंट काफ़ी बार आया हुआ है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। और ये देखिए हमारा अगर क्वेश्चन आता है बड़ा विश्व के असमान वितरण को दर्शाइए, जनसंख्या का जो वितरण है, जनसंख्या वितरण का जो असमान प्रतिरूप है उसको दर्शाइए, तो इसी प्रकार हमें लगातार ऐसे स्टेटमेंट देने पड़ेंगे कि जी ये विश्व में इस प्रकार से असमान वितरण पाया जाता है, उसके बाद में हमारा जो आंसर है वो सार्थक होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और दिखा रखी है कि 85% जनसंख्या कहाँ निवास कर रही हैं, उत्तरी गोलार्ध में, और 15% जनसंख्या कहाँ निवास कर रही हैं, दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों, क्या रीजन है? इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में अधिक जनसंख्या और दक्षिणी गोलार्ध में कम जनसंख्या पाई जाती हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों होता है ऐसा? देखिए पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर लिया मैंने, मतलब इस गोले भाग को, ये एक पार्ट की बात करूंगा तो गोले का क्या हो गया, अर्ध भाग, और गोले का अर्ध भाग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, गोलार्ध कहलाता है। उत्तर में है तो कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में है तो कौन सा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। अब विश्व की बात करेंगे तो देखिए यहां पर स्थल भाग क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, और जल भाग क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। ये लगभग 60% और ये लगभग 40%। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की क्या है, अधिकता है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे स्थल भाग लगभग कम पाया जाता है, लगभग 19% के आसपास, 20% मान के चल लिया। जल भाग की बात करेंगे अधिक पाया जाता है, लगभग 80% के आसपास। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है तो मनुष्य कहाँ निवास करेगा, स्थल पर निवास करेगा। यहाँ पर जल भाग की अधिकता है तो क्या मनुष्य यहाँ पर निवास कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सार्थक हैं कि विश्व के 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती हैं और 15% जनसंख्या, जो शेष जनसंख्या है, वो कहाँ निवास कर रही हैं, दक्षिणी गोलार्ध में कर रही हैं। अब देखिए आगे एक स्टेटमेंट और है तीन चौथाई जनसंख्या का मतलब कितना होता है, 75% जनसंख्या एशिया व यूरोप महाद्वीप में निवास कर रही है, एशिया व यूरोप महाद्वीप में निवास कर रही है। अब महाद्वीप कितने हैं, महाद्वीप 7 हैं। देखिए
एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। अब देखिए छह तो ये हो गई। ऑस्ट्रेलिया जो है अब इसका नाम चेंज कर दिया, क्या कर दिया इस ऑस्ट्रेलिया का, ओसेनिया, क्या कर दिया, ओसेनिया कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलाया, ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड को मिला लिया है, और न्यूजीलैंड को मिलाने के बाद में ये जो महाद्वीप का नाम रखा है ये कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया प्लस में न्यूजीलैंड, क्या कहा है, ओसेनिया। तो ये सात महाद्वीप हैं, लेकिन आपको जो बुक है उस बुक में आपको छह ही मिलेंगे, तो सातवां क्या है, सातवां ये देखिए अंटार्कटिका। इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है, जनविहीन महाद्वीप कहा जाता है। कौन सा महाद्वीप कहा जाता है, जनविहीन। और जनविहीन कहने का अर्थ क्या है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा धरातल किससे ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है, इसी के कारण यहाँ पर लोग निवास नहीं करते हैं। अतः ये जो महाद्वीप हैं ये जनविहीन महाद्वीप हैं, इसलिए यहाँ जनसंख्या का वितरण नहीं दर्शाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत एक या दो हम ये कह सकते हैं, कुछ अनुसंधान कार्य चलता है तो वो हम परमानेंट नहीं कह सकते। यहाँ पर जनविहीन क्षेत्र है ये, इसलिए यहाँ पर अध्ययन नहीं करेंगे। बाकी आपको हर महाद्वीप का जनसंख्या का डाटा जरूर मिलेगा। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और मैं बता देता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट हैं, इन स्टेटमेंटों को अच्छी तरीके से याद कर लो, और अगर ये स्टेटमेंट याद हो गए तो आपको जो आगे इसका जो स्वरूप आपको दिखाई दे रहा, इसका जो वितरण का प्रभावित करने वाले जो कारक दिखाई देंगे, आगे जन समूह दिखाई देंगे, उनमें ये छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत काम आएंगे। तो ये सारे के सारे डाटा आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।